कहते हैं कि घर के लिए भी वैसा ही एक दस्तूर और कानून हो जैसे किसी रियासत या मुल्क के लिए होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी क्लब के लिए, किसी जगह भी। जब चार इंसान इकट्ठे होते हैं तो वो अपना कुछ इकट्ठे रहने का उसूल जाब्ता बनाते हैं। डॉक्टर अब्दुल करीम बक्कार ये शामी शहरी हैं, सीरिया के एक शख्स हैं, और माशरे में जात और इज्तिमाई ताल्लुक और तरबियत और इस्लामिक रिवाइवल पर रिसर्चर हैं। दुनिया भर में अपने मुनफरिद मकालात की बिना पर जाने पहचाने जाते हैं। इसी मौजू पर 40 से ज्यादा किताबों के मुअल्लिफ हैं, यानी इसी टॉपिक पर उन्होंने 40 बुक्स लिखी हैं। सऊदी अरब की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, यानी जाके वहां पर लेक्चर्स दे चुके हैं। कई टीवी चैनल्स पर अपने इख्तियार करदा शोभा के बानी और सैकड़ों रिसालों और अखबारात की जान है। वो कहते हैं कि वालदैन हरगिज हरगिज इस बात के इंतजार में ना रहें कि तरबियत गाहें अपने फराइज पूरे करके इनकी औलाद को अच्छा शहरी बनाएंगी। यानी स्कूल यूनिवर्सिटीज के ऊपर आप ये मत सोचें कि वो आपके बच्चों को अच्छा इंसान बना देंगे। इन्हें खुद इस जिम्मेदारी को पूरा करना होगा कि इनफरादी तौर पर अपने बच्चों को माशरे का जिम्मेदार फर्द बनाएं। यानी ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। क्या ही अच्छा हो कि वालदैन घरों में ही कुछ ऐसे हल्के फुल्के कानून बना दें जिन पर अमल करके बच्चों के किरदार में पुख्तगी आए और उनमें एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। तो क्या करें, घरों में कुछ ऐसे हल्के फुल्के कानून बनाएं कि जिससे वो उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी हो। साथ ही उन्होंने इस जमन में चंद लाहे अमल तय किए हैं, यानी कुछ चीजें बताई हैं। वालदैन को इनमें जो मुनासिब लगे वो इख्तियार कर लें या इनमें कुछ कमी बेशी कर लें। नंबर एक, घर के उसूल या कानून क्या हैं? घर का हर फर्द नमाज को उसके वक्त पे अदा करेगा, यानी दिस इज अ रूल। जैसे क्लासरूम रूल्स होते हैं, ऐसे ये भी रूल्स हैं कि घर का हर शख्स नमाज को वक्त पे अदा करेगा। नंबर दो, बराए मेहरबानी और शुक्रिया के कलिमात बुनियादी जवाबित होंगे जिनसे कोई भी बरी नहीं होगा। हर एक को शुक्रिया बोलना होगा और हर एक को प्लीज कह के बात करनी होगी। नंबर तीन, कोई मार पिटाई, कोई गालम गलोच और कोई भी लान तान वाली ऐसी बात नहीं होगी जिससे बदजौकी का एहसास हो, यानी घर में फाउल लैंग्वेज यूज नहीं होगी। अगर उसूल बन जाएंगे ना, फिर जब कोई शुरू करेगा तो क्या होगा, उसको स्टॉप किया जाएगा। नंबर फोर, अपने महसूसात और ख्यालात को अदब और एहतराम और वजाहत के साथ बता दें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हाउ डू यू फील। दूसरे को बता दें कि आपको क्या चीज अच्छी नहीं लगती। वैसे आप सो रहे हैं तो आपको नहीं पसंद कि कोई आपके कमरे की लाइट खोल दे या कोई शोर करे बाहर, या जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, या ये कि आप एक टाइम फिक्स करें कि हम असर से मगरिब के बीच में आधा घंटा 15 मिनट हम बैठेंगे और हम सब मिलके कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे, बुक रीडिंग करेंगे या कुरान पढ़ेंगे, या जो भी उनके साथ रूल्स बना लें। नंबर पांच, जो कोई भी जिस जिस चीज को दरवाजा खिड़की डिब्बा प्लेट खोलेगा उसे बंद भी करेगा। कुछ गिर जाए तो उसे खुद उठाएगा, यानी गिर गया तो अम्मी उठा लेंगी पीछे से, और उस जगह को उससे ज्यादा साफ करके छोड़ेगा जैसे पहले थी। किचन में काम किया, चाय बनाई, दूध गर्म किया, कुछ भी किया, उस जगह को क्लीन करके हटेगा। नंबर छह, आपका कमरा खालिस आपकी जिम्मेदारी है। हर बच्चा अपना बेड, अपना कमरा, अपनी अलमारी खुद ठीक रखेगा। नंबर सेवन, जो कोई बात करेगा उसे टोके बगैर सुनी जाएगी, यानी दूसरों की बात सुनने की आदत डालें और बात को दरमियान में से कोई नहीं काटेगा। नंबर आठ, घर में दाखिल और खारिज होते हुए सलाम करना होगा। नंबर नौ, घर का हर फर्द रोजाना कुरान मजीद से एक हिस्से की तिलावत करेगा। आप मुकर्रर कर लें, एक पेज करना है, एक पैराग्राफ करना है, एक आयत करनी, जो भी करना है सबके ऊपर लाजिम कर दें। नंबर दस, जो हमसे मिलने आए वो हमारे कवानीन का एहतराम करे। यानी अगर कोई और गेस्ट आके, बच्चे वगैरह घर में होता है ना कि हम खाला के घर जाके रहते हैं, या कोई, उनको भी इन कवानीन की पाबंदी करनी होगी। जैसे आप दुबई में आते हैं तो दुबई के कवानीन की पाबंदी करनी होगी। नंबर ग्यारह, घर का कोई भी फर्द अपने कमरों में जाकर कुछ नहीं खाएगा। नंबर बारह, रात को
جو بھی ٹائم مقرر کریں اس کے بعد کوئی بھی نہیں جاگے گا، سب بچے سو جائیں گے. جیسے ہمارے والد عشاء کی نماز ہوئی اور سب لائٹس خود آف کرنا شروع کر دیتے تھے. نمبر 13، اسمارٹ فون اور ڈیوائسز صرف اس وقت سے اس وقت کے درمیان ہی استعمال کی جائیں گی، اس کا بھی ٹائم مقرر کریں. نمبر 14، والدین کے لیے احتراماً کھڑے ہونا، ان کے سر پر بوسہ دینا یا ان کے ہاتھ چومنا ضروری شمار ہوگا. یعنی بچوں کو یہ لازم عادت ڈالیں کہ وہ ماں باپ کے ہاتھ کس کریں یا سر پہ چومیں یا کچھ بھی، تاکہ اگر کوئی ڈانٹ چانٹ بھی پڑی ہے تو پھر وہ معاملہ بگڑے نہیں، پھر قریب آئیں. نمبر 15، مل کر بیٹھنے کے وقت میں کسی قسم کی مواصلاتی ڈیوائسز، فون یا آئی پیڈ کا استعمال منع ہوگا. یعنی جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کوئی بات کرے گا، ڈیوائسز پہ نہیں ہوگا. نمبر 16، کھانے پینے کے وقت میں سب کی حاضری اور شمولیت ضروری ہوگی. یعنی کہ اچھا میں بعد میں آپ لوگ کھا لیں میں کھا لوں گا، اوپر سے آواز دے دی، نہیں، ساتھ مل کے کھانا ہوگا. نمبر 17، رات کو اس وقت کے بعد، یعنی جو بھی آپ وقت مقرر کریں، کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے اپنے پروجیکٹ پورے کرو. نمبر 18، گھر کے سارے افراد گھر اور گھر میں موجود ہر چیز کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. مطلب پانی بہ رہا ہے یا بجلی ضائع ہو رہی ہے یا کوئی اور چیز ٹوٹ گئی ہے، تو یہ نہیں کہ یہ تو امی ابا کا فرض ہے وہ آئیں گے یا سرونٹ کا کام ہے وہ کرے گا، نہیں، آپ کو فوراً اٹھ کے وہ کام، وہ چیز ٹھیک کر دینی چاہیے. نمبر 19، اپنا کام ہر کوئی خود کرے گا، کوئی کسی دوسرے پر حکم نہیں جھاڑے گا. ہاں، مگر گھر کے سربراہان اپنا کام کسی کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اما ابا کہہ سکتے ہیں. نمبر 20، خاندان اور اس کی ضروریات کسی بھی دوسری ضرورت پر مقدم اور پہلے کی جانے والی شمار ہوگی، یعنی پہلے فیملی بعد میں کچھ اور. نمبر 21، کوئی بھی کسی کے کمرے یا علیحدگی والی جگہ پر دروازہ کھٹکھٹائے یا اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. بچوں کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی. ڈاکٹر محمد راتب نابلسی کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کو بہت مفید پایا ہے، والدین کو چاہیے کہ اسے اہمیت دیں، کیونکہ اولاد کی تربیت ایک ایسا مشکل کام ہے جسے ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ تربیت 24 گھنٹے کی تربیت ہوتی ہے، صرف کسی ایک خاص وقت کی نہیں.